नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक योर लाइफ इजी टेक्निकली में। आज की वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पे बनाई गई है, जहाँ पे हमें पूछा गया था कि हम किसी भी नंबर के साथ में जीरो ऐड नहीं कर पा रहे, तो वो हम आपको एक फंक्शन बताएंगे, मेथड बताएंगे कि कैसे हम किसी भी वैल्यू के साथ फ्रंट में ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपको दो मेथड बताए जाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हम ज़ीरो ऐड करें, प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो मेथड, कैसे हम ये जो फंक्शनैलिटी है वो हम गेट कर सकते हैं एक्सेल में। अभी स्क्रीन पे जो आपको डेटा दिख रहा है ये एक सैंपल डेटा लिया हुआ है, जिसमें आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं 50, 60, 70, 80। तो ऐसे ही अभी इसमें कैसे हम फ्रंट में जीरो ऐड कर सकते हैं, एक तो फंक्शन है कॉनकैट। जैसे ही आप इसे कॉनकैट करेंगे और कॉनकैटिनेशन में जो पहली वैल्यू या टेक्स्ट होगी अपने हिसाब से आप जीरो एंटर कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि हर एक नंबर के साथ इतने ही जीरो हैं। तो ये देखिए अभी 40 हमने एंटर किए थे और सेल सेलेक्ट किया तो सभी वैल्यूज़ के साथ हमें 4 times 0 दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है, जिसमें हमने आपको बताया कि कॉनकैट फंक्शन के साथ हम कैसे किसी भी वैल्यू के साथ या किसी भी डिजिट के साथ लीडिंग जीरो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये जो था हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो मेथड 1 के साथ हमने आपको प्रूव करके बताया। अभी हम मेथड 2 भी बताएंगे, जिसमें फॉर्मेट करके आप दिखा सकती हो। यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट 40 आ ही गए हैं जो हमने कॉनकैटिनेशन के साथ ऐड किए, और जो सिंटैक्स है वो भी आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि सिंटैक्स क्लियर रहे, और जब भी आप अपने सिस्टम पे ट्राई करें तो आप अपने सिस्टम में ईजिली यहाँ से सिंटैक्स देख के ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए कॉनकैट के साथ वैल्यू ऐड करी है 000 और C7 तो सेल है तो वो सिलेक्ट कर लेना, तो आपका सारा जो डेटा है विद जीरो दिखना शुरू हो जाएगा। अभी ये सेकंड मेथड है, मेथड 1 को यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी मेथड 2 में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम कर सकते हैं। तो मेथड 2 में क्या है, इसमें थोड़ा एडवांस फंक्शनैलिटी है। इस सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट के अंदर हमें जाना है, यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स आ रहे हैं क्लिक कीजिएगा, लास्ट में आपको कस्टम दिखेगा, कस्टम पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वहाँ पे हमें 50 नज़र आ रहे हैं। तो ये 50 का मतलब है कि हमें जैसे वैल्यू है हमारे पास 50 से लेके 160 तक, तो हमें 5 digits रहेंगे हमारे इस वैल्यू में। जैसे 50 है तो 3 आ जाएंगे, 160 है तो 2 आएगा, जो काउंट है डिजिट्स का वो 5 रहेगा। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया हुआ, अगर मैं इक्वल टू करके सेल सेलेक्ट करता हूँ, C7 एंटर करता हूँ, तो देखिए अभी डिजिट 5 ही है और जो 0 है वो आ चुके हैं। अब इसमें फंक्शनैलिटी अच्छी वाली ये है कि 160 में आपको 3 नज़र आ रहे हैं, तो 3 नज़र आने का मतलब कि हमने यहाँ पे काउंट रखा है कि डिजिट हो हमारे पास 5 ही। तो अभी इसमें यही है कि यूजिंग फॉर्मेट ऑप्शन के थ्रू भी आप 0 ऐड कर सकते हैं। बेस्ट फंक्शनैलिटी यही है कि आपको वहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट डिफाइन करने हैं,
तो अगर आपके पास यहाँ पे नंबर्स में 8 डिजिट होगा, अगर वहाँ पे आप 10 कर दोगे तो 2 0 ही लीडिंग जीरो 2 ही रहेंगे। अगर 8 से कम होगा तब भी वहाँ पे डिफाइन वही होगा, नंबर्स 0 उतने ही आएंगे जितने आपने वहाँ पे नंबर डिफाइन किया। अगर तो वहाँ पे प्रॉपर उतना ही हमें डिजिट मिल रहे हैं तो 0 नहीं आएगा। अगर वहाँ पे वैल्यू उस डिजिट से कम होगी तो उतने 0 वहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा 50 में 40 है, 160 में 30 है। तो ये एक बेस्ट फंक्शनैलिटी है, और जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि भाई हमें ये पता नहीं लग रहा कैसे करना है, तो ये 2 ऑप्शन है। आप अपने लोकल सिस्टम पे ज़रूर करके देखें। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी डिफ़िकल्टी आती है, कोई क्वेरी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उसका सलूशन दे पाएँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहे। थैंक्स।